देखते हैं कि घाट पे कितना सारा दियों का जगमगा उठा है और व्रत करने वाले लोग घाट पे धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में सूर्य भगवान अपनी किरण दिखाएंगे, जिसके बाद ये लोग अपना व्रत खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे महिलाएं, जो भी लोग पुरुष हो चाहे महिलाएं, व्रत रखी हो, पानी में जाना शुरू हो चुकी हैं और अभी से सूर्य भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करेंगे और जब तक सूर्य भगवान नहीं निकलेंगे तब तक ये पानी से बाहर नहीं निकलेंगे और सूर्य भगवान के निकलने के बाद ही ये अर्घ देकर पानी से बाहर निकल। छठ पूजा के अर्घ देने की सुबह वाली अर्घ की दिन है। इसमें महिलाएं जब तक सूर्य भगवान नहीं निकलते हैं तब तक पानी में जाकर वो प्रतीक्षा करती है कि सूर्य भगवान निकले और उसके बाद अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलती है। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर पानी में जाना स्टार्ट हो चुके और सूर्य भगवान की प्रतीक्षा कर रही है कि सूर्य भगवान निकले और उनको अर्घ दे। पुरानी कथाओं के अनुसार जब तक डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता है तब तक ये व्रत पूरा नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि घाट पे पूरे दिए जगमगा रहे हैं और पूरे महिलाएं जो है, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं और बहनें, माता और बहनें व्रत रखी हुई हैं तो उनसे जानेंगे कि वो अपना व्रत कैसे खोलेंगी और कब खोलेंगी। तो आइए हमारे साथ जो माताएं बहनें हैं उनसे ही चल के बात करते हैं। नमस्ते, आपने छठ पूजा का व्रत रखा है तो ये व्रत आप कब और कैसे खोलेंगे? अब सूरज भगवान उगेंगे तब खोलेंगे। तो ये व्रत करने में कितना कठिनाई आता है और कितना कठिन होता है? होता है लेकिन आदमी कर लेता है। आप पिछले कितने साल से व्रत कर? मेरा तो 30 साल हो गया, 30-35 साल हो गया है। छठी मैया से जो भी आज तक ने आपने मांगा है वो पूरा हुआ? हाँ जी, सारा पूरा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं वो बता रही है कि परेशानी तो बहुत होता है, व्रत तो बहुत कठिन है, लेकिन मन में आस्था हो तो कोई भी चीज़ पूरी हो सकती है। तो आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे। नमस्ते, कहाँ? नमस्ते, आपने छठ पूजा का व्रत रखा है तो आपको कितने, ये व्रत करने में कितना कठिनाई होता है? कुछ कठिनाई नहीं होता है। आप पिछले कितने साल से व्रत करते? मैं तो कर रही थी 7 साल से। कहाँ से आप वैसे? मैं बिहार के हूँ। बिहार में कहाँ से बनी हो? छपरा। छपरा जी, बिल्कुल सही कह रही कि यहाँ के छपरा से बानी हो। व्रत करने में इनका कहना है कि कोई कठिनाई नहीं होता, लेकिन हम भी छपरा में, आप छपरा जिला से प्रॉपर है कि किसी गांव से हैं? कटिया। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि ये छपरा में कटिया से है, तो छपरा ऐसा शहर है कि छपरा में बहुत ही धूमधाम से ये छठ पूजा मनाया जाता है और जो कि हम भी छपरा से हैं तो बिहारों में तो ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं कि लोग ये पर्व क्यों मनाते हैं और क्या महानता है इसका। नमस्ते, जैसे कि आप छठ पूजा का व्रत करती है तो इसमें इतनी सारी कठिनाइयाँ, मतलब व्रत बहुत ही, सुना जाता है कि बहुत ही हार्ड होता है, 3 दिन का काफ़ी लंबा व्रत होता है, तो इसमें किन की कितना परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं, मतलब छठी मैया की कृपा से ये व्रत आप अच्छे से कर लेते हैं। आप पिछले कितने साल से व्रत कर रही? ना, हम फर्स्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है? अच्छा, आपका फर्स्ट है। और आप कितने साल से? 18 साल से। तो आप ये व्रत कैसे खोलती है, मतलब आज जैसे कि सूर्य भगवान को अर्घ देना उसके बाद लोग खोलते, तो उस चीज़ में आप क्या खाती हैं और किस चीज़ से व्रत? बस गाय के दूध से व्रत खुलता है। यहाँ से अर्घ दे के जाने के बाद अपने देवता उदा के पूछ के और गाय के दूध से व्रत खोलती है।
11 बजे तक 10 बजे तक कोई आदमी तो यहाँ से जाता ही 1 घंटा आधा घंटा के बाद में खाना खा लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, 3 दिन के व्रत हमारी होती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता माता रानी के ऐसा। जैसे कि आपने देखा कि 3 दिन का व्रत होता है लेकिन इसमें लोगों को कुछ नहीं पता चलता है, क्योंकि छठ माता का इतना कृपा होता है कि लोग छठी मैया की कृपा के कारण अपना व्रत आसान। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि सूर्य भगवान निकल चुके हैं और लोग पानी जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए खड़े हो चुके हैं और अर्घ भी दे रहे हैं। उसके बाद सारे लोग अपना व्रत खोलेंगे और बहुत सारे लोग देख सकते हैं यहाँ पे अर्घ भी दे रहे हैं और सूर्य भगवान की लालिमा आने के बाद लोग अर्घ दे रहे हैं और पानी में खड़े होकर बहुत ही ये कठिन व्रत होता है लेकिन फिर भी छठ मैया के कृपा से ये व्रत सारे लोग बहुत ही अच्छे से कर पाते। तो आपको दिखाते हैं पूरे घाट का नज़ारा चलते हुए, हम आपको दिखाते हैं कि बहुत घाट पे भीड़ लगी हुई है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और सूर्य भगवान की इंतजार कर रहे हैं और सूर्य भगवान निकलने वाले से पहले सभी लोग जल में खड़े होकर सूर्य भगवान के लिए के सामने आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वो अर्घ देकर अपना व्रत पूरा कर सके और अपना व्रत भी खोल सके। तो पूरे घाट पे भीड़ का माहौल है, यहाँ पे व्रत खोलने वालों के लिए बहुत व्रतधारी बहुत ही काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए और भी हम आपको पूरे घाट का नज़ारा दिखाते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि अंदर जल में बहुत सारी व्रतधारियाँ खड़ी हुई है जिन्होंने व्रत रखा है और सूर्य देवता को अर्घ दे रही है। इसके बाद वो अर्घ देकर ही सभी लोगों को प्रसाद देंगी और उसके बाद ही वो अपना व्रत। आप सभी को मेरे और मेरी टीम की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।